Hello guys, you are watching Bros Reactions. My name is Kazim. My name is Honorizvi. मैं तो हूँ हमेशा की तरह मुकम्मल खूबसूरत. और रिएक्शन वो जो दिल से निकले. तो आज जो बात हम लोग करने आए हैं वो है बिग बॉस से रिलेटेड, क्योंकि बिग बॉस में रोज एक नया टर्निंग पॉइंट आ जाता है, रोज एक नया ट्विस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग शॉक्ड रह जाते हैं और आप लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं. और ऐसे ही कुछ टर्निंग पॉइंट जो है वो कल दिखने वाला है. और मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हूँ, बल्कि हम सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि शॉकिंग न्यूज है. शॉकिंग न्यूज बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा जो एक सेगमेंट चल रहा है बिग बॉस पे डिबेट, बिग बॉस पे चर्चा कह लें, उसका आज पार्ट थ्री करने हम लोग बैठे हैं और कोशिश करते हैं करते रहे. अच्छा, कुछ लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि लोग नीचे लिखते हैं कि यार बिग बॉस और शहनाज गिल से बाहर दिख लो. शहनाज गिल से बाहर नहीं जा सकते, शहनाज गिल हमें पसंद है. शहनाज गिल जब तक बिग बॉस में वीडियोज करते रहेंगे उन पर, तो ये बात तो छोड़ दें. और 15 तारीख को वैसे ही बिग बॉस खत्म होने वाला है, तो उसकी बात नहीं है. और हम लोगों का फेवरेट शो, हम लोगों को मजा शहनाज गिल के लिए करेंगे. हाँ, हम लोगों को मजा आता है सर में बिग बॉस से पे बात करने में, उस पर चर्चा करने में. तो हम तो करते रहेंगे. और सिर्फ शहनाज गिल नहीं है, बता दूं कि भाई हम लोग बिग बॉस के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम बिग बॉस के फैन है यार. बिल्कुल, सिद्धार्थ, शुक्ला, आसिम, शहनाज सब अच्छे हैं. तकरीबन वीडियोस हमने बनाई है और पीछे वीडियोस पड़ी है. बिल्कुल. तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आज हम जो बात करेंगे, कल जो मतलब होने वाला है बिग बॉस में, वो कुछ अजीब सा कुछ होने वाला है कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि यार हमारे जमीन निकल गई नीचे, पांव के नीचे से. ये क्या प्रोमो देखा हमने नेक्स्ट डे का, कि रियलिटी है या क्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा. और अब मैं बात शुरू ही हो गई है, तो पहले बात थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं भाई, क्योंकि आज मतलब जो कल होने वाला है उसमें ये दिखाया कि भाई अपना मलंग मूवी की पूरी कास्ट आई हुई है और वो अपनी प्रमोशन के लिए आई है, जाहिर सी बात है. और उसमें अनिल कपूर भी आए हैं, और अनिल कपूर और सलमान खान मिलके बहुत सारी मस्तियां कर रहे हैं. अनिल कपूर हैं, कुणाल खेमू हैं, और कौन है उसमें, और आदित्य रॉय कपूर हैं, और साथ में एक हीरोइन दिशा पटानी है. दिशा पटानी है, और वो अनिल कपूर, और वो उसमें देखा हमने प्रोमो के अंदर के वो अंदाज अपना अपना की अब स्लोमो जो फाइट होती है वो करके दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा. वो तो खैर बहुत ज्यादा कॉमेडी से भरी मूवी है, मुझे बहुत पसंद है. और भी है कि वो लोग वहाँ पे मस्तियां कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर मस्तियों के साथ साथ कुछ और भी खेल चल रहा है. कि जैसे बिग बॉस के बाहर सलमान खान लोग ये मस्तियां कर रहे, तो अंदर ये हुआ कि उसमें आपको देखने में मिलेगा कि भाई सना के भाई से वो उनकी पैरोडी करवा रहे हैं. सना के जो भाई हैं शहबाज से सलमान खान ने करवाई पैरोडी सिद्धार्थ शुक्ला की, और बहुत अच्छी उन्होंने पैरोडी करके दिखाया. चलने का स्टाइल और यूं कर रहे, और सलमान खान पेट पकड़ के हंसते रह गए जो हमने प्रोमो में देखा. बहुत मजा आया हमें प्रोमो देख के. और साथ में शहबाज ने ये भी बोला कि भाई बिग बॉस जो बोलते रहते हैं दिन भर कि शहबाज अब अपना माइक पहन ले शहबाज, और मैंने माइक पहना हुआ था, बिग बॉस को खुद अपनी बातें याद नहीं रहनी, और ये सब करके उन्होंने बोला. तो बहुत ही ज्यादा फनी सीन था, फनी चल रहा है. और फनी के साथ साथ जो है ना बहुत सारे फड्डे भी चल रहे हैं. अब जैसे कि अभी देखने में आया कि भाई सिद्धार्थ की और सना की कितनी आपस में खराब हो रही है, और पहले क्या था बिग बॉस में, अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि बिग बॉस में आखिरकार चल क्या रहा है. अच्छा, आज के प्रोमो के बात करने से पहले मैं मुकम्मल खूबसूरत से कुछ पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो हिमांशी वाली जो वो फाइट बता रहे थे, वो सीन क्या हुआ था जो अब कल परसों का एपिसोड था. उस परसों का एपिसोड था वो, उसमें कल का था. अच्छा, कल का. तो उसमें ये हुआ था, कल थी पहली जनवरी, फर्स्ट जनवरी. अच्छा, फिलहाल ये था कि परसों का मैं तुम्हें बता देता हूँ. परसों का ये था कि कोई टास्क दिया हुआ था, और उसमें होता यह है कि वो जो विकास होता है, विकास जिनको काजल ने औरत बोल दिया था, विकास गुप्ता. और नीचे कमेंट में बहुत सारी लोगों ने हमें बोला हुआ था कि यार विकास गुप्ता खिलाफ. अच्छा, मैंने काजल को बोला कि तुमने यार गलत बोल दिया विकास गुप्ता, गलत बोल दिया, लोग बोलेंगे. असल में वो थोड़ा वैसा टाइप का बंदा है, तो मैंने सोचा कि यार टाइप का बंदा है, मतलब यार आसिम ने उसको बोला था कि यार तुम अच्छा वैसे टाइप का बंदा, समझ जाओ ना यार, बहुत हटाता है यार. नहीं वैसे अच्छा, आप यार को मास्टरमाइंड समझते हैं, लोग उनको बोलते हैं कि मास्टरमाइंड है, लेकिन मुझे लगता है किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो बिल्कुल साफ मुंह पे बोल देते हैं जो भी होता है ऐसा. वैसे टाइप का मतलब लड़कियों की तरह बोलता है वो, यूं करके और ऐसे करके. नहीं तो फिर तुम्हें स्टोरी कोई बता रहे थे मुझे, वो होता ही है कि वो अपना टास्क पूरा कर रहे होते हैं, और फिर जो है
उसमें वो टकरा जाते हैं हिमांशी खुराना से, विकास गुप्ता। हाँ, उस उसकी वजह से उनके सर पे चलती है चोट। किसके? विकास गुप्ता के? हिमांशी खुराना की चोट लगी है। हाँ, उस पे काफी बड़े मसले मसाइल होते हैं। और फिर सुना है कि विकास गुप्ता को जो है कोई सजा दे देते हैं बिग बॉस। अच्छा, विकास गुप्ता को निकाल दिया जाता है क्या? नहीं, अभी निकाला नहीं है। देवोलीना खैर फैमिली में वापस आ गई है, देवो भी आ गई है और साथ में विकास भी है ना, विकास भी आया है। मुझे ऐसा लगता है 10 आगे 2-4 एपिसोड के बाद विकास गुप्ता हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि विकास गुप्ता की बिग बॉस से कोई सेटिंग है भाई टाइट वाली, क्योंकि और भी इतने सारे लोग हैं। मुझे भी लगता है सही बात है, विकास गुप्ता ही क्यों चल के बार बार आ जाते हैं? मुझे समझ नहीं आता। देवोलीना के लिए आए थे, फिर वो गैस बन के दोबारा आ गए। मुझे तो लगता है भाई कोई ना कोई सेटिंग है, कोई ना कोई सेटिंग है, कोई पैसों का मामला है। और विकास गुप्ता क्यों बार बार आ रही है मेरी समझ नहीं आ रहा। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों वो बंदा सही नहीं लगता। और वो ये है कि हर वक्त ना टॉर्चर वाला, मतलब मैं जब भी उसको देखो ना ऐसा लगता है टॉर्चर कर रहा है ये, उसको नहीं हमें टॉर्चर कर रहा है। पता नहीं क्यों ये है कि बिग बॉस का जाल ऐसा बिछा हुआ है कि बिग बॉस की किससे सेटिंग है ये सिर्फ बिग बॉस ही जानता है। ये बिग बॉस ही जानते हो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा यार, आप लोगों ने भी खुद बोला हुआ कि यार ये बिग बॉस फिक्स है, ये है, ये वो है। तो मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग तो नहीं रहा। लेकिन अभी जो इतना खतरनाक मोड़ जो आ रहा है ना कल बिग बॉस में, वो मुझे देखना है। और मैं बिल्कुल बहुत उत्सुक हुआ हूँ देखने के लिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है, रियल है, फेक है, आई डोंट नो। क्योंकि जो है ना, अगर ऑफ द कैमरा दिखाते ना सलमान खान को सिर्फ वॉइस दिखाते तो मैं बोलता हाँ यार वॉइस ओवर किया है ये प्रोमो बनाने के लिए। बट ये कि सलमान खान अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो ऑन स्क्रीन दिख रहा है प्रोमो में कि उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी वजह से आप लोग ने भी देखा होगा तो आप लोग बहुत सैड हो गए होंगे, आप लोग भी कश्मकश में होंगे, दिमाग चल रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। सलमान खान ने बोला है कि आज जो घर से बेघर होने वाले हैं, फिर उसके वाली नहीं बोला उन्होंने, वाले बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बोला शहनाज गिल आपका सफर यहाँ पे होता है खत्म, आपकी जर्नी होती है यहाँ पे खत्म। एंड देन उसके बाद अजीब सा एक सैड म्यूजिक शुरू हो गया और फिर उस पे जो ना रश्मि देसाई गले लग के उसको जो है वो रो रही है और शहनाज भी बहुत रो रही है। आरती भी बीच में आ गई इसमें और तीनों गले मिलके रोने लगे और सिद्धार्थ का शॉर्ट सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा हुआ है। और दरवाजा जब खुलता है तो मैं समझा पहले की मजाक चल रहा है, मजाक हो रही है कोई और ये करके, तो मैंने देखा कि दरवाजा भी खुल जाता है और सिद्धार्थ रो रहा है पीछे खड़ा होकर। सिद्धार्थ सैड है, मतलब रो नहीं रहा, सिद्धार्थ शहनाज रो रही थी ना। हाँ, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि शहनाज अभी कैसे जा सकती है। और मुझे अभी भी पूरा यकीन है कोई ना कोई धोखा होगा, कोई ना कोई धोखा होगा, शहनाज जा नहीं सकती। बिग बॉस से फट्टा हो जाएगा अपना, बिग बॉस से पूरे इंडिया का मैं कहता हूँ पड्डा हो जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि शहनाज गिल के फैंस जितने मैं मान ही सकता हूँ उनको कम वोट पड़े, या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि बिग बॉस की कोई स्ट्रेटेजी हो कि शहनाज गिल को हमने ऐसे बोल के बाहर भेजना है। हो सकता है सीक्रेट रूम में भेजा हो, यस ये भी हो सकता है, कहीं भेजा हो और उसके बाद आगे जाके वो बिग बॉस बोले गोटी कल्टी मार। और हो सकता है, नहीं हो सकता है शहनाज गिल जब बाहर गई है तो मतलब उनको प्राइवेट, जैसे तुम कह रहे हो प्राइवेट रूम में भेजा हो, सीक्रेट रूम में भेजा हो और वहाँ पे वो बैठ के पूरा घर मतलब मॉनिटर करें, कौन क्या बात कर रहा है, क्या सीन है, फिर वो कम बैक करें। तो ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है। लेकिन ये सीन मुझे बड़ा खतरनाक सा लगा कि शहनाज इतना रो रही है, क्योंकि फिर वो रोने वाली बात भी है ना, और उसको तो पता भी नहीं होगा शहनाज गिल को कि भाई उसके लिए लोग कितने बार कितने सारे फैंस हैं, कितने सारे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, और वो वहाँ से जा रही है सिद्धार्थ पीछे थोड़ा सैड फेस बना के खड़ा हुआ है और रश्मि जो है वो उसको हक करके रो रही है और अजीब सा कुछ हो सकता है। उसको बाहर बुलाया हो, लग रहा है कि वो प्रोमो मिक्स किया हुआ है ऑन। तुम तो रेगुलर बिग बॉस देख रहे हो, तो मैंने ऐसा भी सुना है कि वो प्राउड ऑफ यू मैन। अच्छा मुझे मजे की बात बताऊं कि हमारे मेरे साथ साथ देखने के बाद काजिन ने भी शुरू कर दिया और हमारे साथ देखने के बाद मुकम्मल खूबसूरत ने भी शुरू कर दिया देखना। और मुकम्मल खूबसूरत आज मुझे आके बता रहे हो कि यार वो हिमांशी खुराना की जो फाइट हो गई थी और उसपे उन्होंने उनका सर फट गया, मैं हैरान हो गया, मैं चौंक गया, मैंने बोला यार मुकम्मल तुम्हें क्या हो गया, तो मुझे मजा आने लगा देखने में। तो मैंने भी मैंने पहले ना वो देखे थे 2-2 मिनट के ना क्लिप देखे, यार तो लग तो अच्छा रहा है, फिर मैंने घर में इधर उधर देखा, मैंने हाँ अब घर में कोई काम नहीं है, अच्छा चिल माहौल है,
अपना जो नंबर था वो किया बंद, हमारा लैपटॉप पे लेके बैठ गया, हमारा लाइव प्रीमियर इस वक्त चल रहा है और साथ में कमेंट भी आ रहे हैं, हम कमेंट का जवाब भी दे रहे होंगे, साथ में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कि होता है 12:30 दिन में इंडियन टाइम। जी हाँ, और कहने का मकसद ये है कि यार बड़ा अजीब सा टर्निंग पॉइंट है, अगर ये टर्निंग पॉइंट है और अगर ये बिग बॉस की स्ट्रेटेजी भी है और हमें उसके बाद पता चलता है कि भाई शहनाज जो है वो घर से बाहर नहीं गई है, वो सीक्रेट रूम में गई है, तो फिर भी यार अजीब सा लगेगा कि शहनाज गिल को इस तरह बोल के ओके आप घर से बेघर हो गई और ये बड़ा बुरा सा, और इतना कुछ फड्डा जो इस तरह का चल रहा है। और एक और सीन मुझे देखने में आया था कि जैसे कि आसिम के साथ आप सबको पता है हिमांशी खुराना का अटैचमेंट चल रहा है और वो अंदर आई हैं, उनके पास हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, और फिर ये भी उसमें सीन हुआ है कि यहाँ पे वो आसिम उनको बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये बाहर जाके बाहर जाके शादी करूंगा, और फिर उसके बाद जब हिमांशी उनसे हट के दूसरों में बैठी है तो वहां पे बोलती है मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है और मैं तो दोस्ती की तरह से ले रही हूँ, ये मतलब अजीब सा मुझे अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन गेम खेल रहा है, कौन सच कर रहा है। हिमांशी खुराना ने अंदर आके कुछ बिग बॉस ने जो उनको मना किया था हरकत करने को, उन्होंने बाहर की अरहान की खबरें उन्होंने सुना दी थी आके रश्मि को, जिसपे सलमान खान बहुत ज्यादा भड़क उठे कि यार ये तुमने क्या किया, बिग बॉस भी भड़क उठे, और उसमें सलमान खान ने आसिम को ये भी बोला कि अगर अगर मुझे पता चला ना कि उन्होंने बाहर जाके ब्रेकअप किया या कुछ ऐसा सीन हुआ तो आई विल किक ऑन योर एस, ये सलमान खान ने बोला है सबके सामने, और मेरे ख्याल से सही बोला कि ऐसा दिखावे के लिए यार नहीं करो, पब्लिक के जज्बात से आप खेल रहे हो, आप मैं देखो पब्लिक पागल हुई है, बाहर ट्विटर पे एक ट्रेंड बना हुआ है आसमानशी और ये सब कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो बात ये है ना, सलमान खान आसिम को तो यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन हिमांशी फिर घर में ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं तो इस तरह नहीं ले रही, मैं तो इस तरह ले रही हूँ, तो फिर आप उसके साथ हो, तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि गेम कौन खेल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि इधर जो है ना दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन पे मुझे थोड़ा सा हुआ है, देखें एक सिद्धार्थ शुक्ला है जो कि रिजर्व रहते हैं, रिजर्व पर्सनैलिटी हैं और वो अपना ही मगन, अपना ही मस्त, और ये जो उनको करना है वो कर रहे हैं, और दूसरी है शहनाज गिल। शहनाज गिल का सीन क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में शहनाज गिल ने बोला जो मेरे दिल में आता है मैं वो बोलती हूँ, जो भी मन करता है करने का वो कर देती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, तो शहनाज गिल भी मुझे यही लगता है कि और ऐसा ही है कि वो जो भी कर रही है ना वो खुद से कर रही है, कोई गेम नहीं खेल रही है, तो मुझे बाकी सबका मैं नहीं। हाँ, एक और क्या कह सकता हूँ मेरे ख्याल से रश्मि देसाई का, कि रश्मि देसाई भी मेरे ख्याल से कोई गेम शेम नहीं खेल रही है, वो जो जैसे चल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला में से आप लोगों को सही कौन लगता है? दोनों की लड़ाई बाहर से चलते हुए आ रही है और रश्मि बोलती है कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे बाहर गालियां दी, इसने मुझे सेट पे ये किया, मुझे काम नहीं करने देता, ये करने देता, सिद्धार्थ उसके अगेंस्ट कुछ और बोल रहा होता है कि ये है ही ऐसी। लेकिन आजकल तुम्हें पता है ना सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि यूं चल, वो तो चल रही है, लेकिन तो चल रहा है। और मैं तुम्हारी बात काटूंगा, मैं एक सीन मुझे और याद आया कि मैंने ये भी देखा कि उस कैनवास सिद्धार्थ और शहनाज गिल की काफी अच्छी खासी तू-तू मैं में होती है। हाँ, कुछ फड्डा ऐसा चल रहा है कि उस पे बात आ गई है कि तेरे पे तो मैं थूकूंगी ना, कुछ ऐसे मैंने देखा अनसीन में देखा था, मैंने यूट्यूब की वीडियो पे दिखाया हुआ था, पता नहीं क्या क्या बोला हुआ था, ये तो समझ नहीं आता, फ्लिप मार देती और ये वो यार ये जैसे बोलना है कि तुम पे मैं ये भी ना करूं वो भी ना करूं, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स ऐसे दिखाए थे, हमें समझ नहीं आता यार ये वॉइस ओवर है ये सिर्फ प्रोमो के लिए किया या क्या किया, समझ ही नहीं आता भाई, आप मतलब आप गैस ही नहीं कर सकते कि वो क्या रहा है, लेकिन पंडा चल रहा है। निकाल, जहां तक शहनाज को निकालने की बात है, सना को निकालने की, वो मैं ये कहूंगा कि अक्सर ऐसा हुआ है पीछे भी कि शहनाज के लिए पहले भी गेट खोल दिया गया था, उसमें वो नहीं गई थी, और शहनाज के लिए अभी भी गेट खोला गया है, तो मुझे जहाँ तक लगा है ये स्ट्रेटेजी है, और मतलब अगले दिन का प्रोमो बनाने के लिए, और कुछ नहीं होगा, शहनाज जा नहीं सकती इतनी जल्दी, शहनाज हमारे हिसाब से टॉप थ्री के अंदर है, टॉप थ्री के अंदर है भाई, बता ही देते हैं, टॉप थ्री में सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम और शहनाज, यही टॉप थ्री है, हम बोल रहे हैं यही है, तो भाई यही है, और तीनों में से हम विनर भी बताएंगे बहुत जल्द आपको, कमेंट्स में मुझे दिख रहा है, युवराज सिंह का भी कमेंट दिख रहा है, और यार युवराज सिंह से मैं आप आते हैं, युवराज सिंह को मैं कहना चाहूंगा कि आई नो आप हमारी हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नोट डाउन हुई हुई है और आपकी वीडियो मेरे ख्याल से कल या परसों अपलोड हो जाएगी, और ये है कि आपने यही बोला था ना कि यार ये तो बिग बॉस पे आप भी करते हो तो आप उसको पकड़ के बैठे हो, तो ये बात नहीं है यार आपकी, और हम लोग बीच बीच में और भी रिक्वेस्टें पूरी करते रहते हैं, बट जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है ना तो उसको भी हमें वो करना पड़ता है, बट ये है कि आपका नाम लेके मैं इसलिए खासतौर पर बोल रहा हूँ,
और हम वैसे कम ही नाम लेते हैं या तो फिर सजेशन पे लेते हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ थैंक यू कि आप हमें कॉमेंट करते हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं, आप डे वन से हमारे साथ हैं। युवराज सिंह आपके लिए एक और बात मैं बता दूं, जब आपका कॉमेंट आता है तो मैं ऑन पे जब कहता हूँ ऑन युवराज सिंह का कॉमेंट आया तो ऑन का सबसे पहले इशारा होता है यूं, तो मतलब वो क्रिकेट वाले हमारे पास जो है वो युवराज सिंह उनका है। तो युवराज सिंह से मुझे याद है, अभी मैंने बूम बूम लाला की वीडियो देख रहा था, दुबई के अंदर बैठे हुए हैं वो और एक छोटी सी वीडियो बना के डालते हैं अपने पेज से, बूम बूम लाला शायद आप दीदी सब सब जानते हो उनको। तो थोड़ी देर बाद यार मैं मेरा दोस्त आया हुआ है यूं हुआ है और आपसे बात कराता हूँ, मैं समझा कोई पाकिस्तानी हूँ लेकिन कैमरा घूमता है युवराज सिंह वहाँ बैठे हुए, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त आपस में बॉन्ड देखते थे, इतना अच्छा लगा उनका कि दुबई के अंदर साथ बैठे हुए और बात ही कर रहे हैं आपस में, वो लाला बोल रहे हैं उनको, वो यू भी बोल रहे हैं, आप कहीं बहुत मजा आया ना, कहीं लैंग्वेज तो एक ही है ना की और युवराज सिंह की। अच्छा शायद आपने दोनों एक ही काम जानते हैं बॉलर को, शायद अफरीदी ने ये जरूर बोला कि जितने छक्के मैंने अपनी जिंदगी में मारे हुए ना, जितने सिक्स मैंने क्रिकेट में मारे उतने सिक्स इस बंदे ने इंट्रोड्यूस करा रहे थे, इस बंदे ने एक ओवर में मारे हुए हैं, जो कि छह छक्के उन्होंने मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, तो वो हमने देखा कि किस तरह इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और दोनों एक अच्छी शुगल लगा रहे थे, तो मुझे देख के अच्छा लगा और हम गुस्से में इधर उधर निकल गए। नहीं तो बात मैं वापस बात करता हूँ बिग बॉस की, मुझे अभी कमेंट्स की वजह से हुआ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं और जितने भी लोग हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करें और ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने ये वाला प्रोमो देखा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्ट्रेटेजी है बिग बॉस की या वाकई शहनाज गिल, ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि शहनाज गिल को एलिमिनेट किया जा रहा है, बेकर किया जा रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी बताएं कि आप लोगों के सोच विचार क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं कि शहनाज गिल बाहर जा रही है, शहनाज गिल सीक्रेट रूम में जा रही है, शहनाज गिल ये सब सिर्फ एक अभी दिखा रहे जाल है क्या है, सात लोग बचे हुए हैं अभी और मुझे नहीं लगता कि शहनाज गिल जाएंगी, और साथ में अभी आई थिंक विशाल एलिमिनेट हुए हैं, उससे पहले जरी वाला जो थी जरी वाला वो एलिमिनेट हुई थी, और अभी फिर भी सात लोग बचे हैं, और जहाँ तक मायरा और भी लोग हैं पारस वगैरह, तो उनसे पहले शहनाज का जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। नो चांस, एक बात मैं यहाँ बोलूंगा, आप बोलो अभी बहुत टाइम जो बोलो खैर हो गई, अगर यहाँ पे जो प्रोमो दिखाया और वो वाकई सही प्रोमो है, शहनाज गिल बाहर हो जाती है, तो मैं अभी से ऐलान कर रहा हूँ कि विनर फिर आसिम रियाज है। नहीं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल शहनाज गिल बाहर नहीं हो सकती, और सेकंडली कि भाई आप ये कह ही नहीं सकते अभी कि भाई आसिम जो है वो विनर होंगे, क्योंकि अभी जैसे इसने बताया भाई सात लोग हैं, और ये हाथ भी थोड़ा सा सीक्रेट रखेंगे यार कि विनर कौन होगा, सात कौन कौन लोग बचे अभी यार, अब मैं आसिम रश्मि और क्या नाम है उनका, देखा भूल गया ना इसलिए मैं भी आई थिंक हमें वीडियो खत्म करनी पड़ेगी आर्ट की वजह से, तो अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए facebook.com/brosreactions पे जाएं, माया कि आप हमें सजेस्ट करें वीडियो और हमारा पेज भी लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आके हम लोग कीजिए फॉलो, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है दिकाजिम नहीं है, मेरा ऑनरिजवी, मेरा है मुकम्मल_ खूबसूरत, और हमारा पेज है brosreactions के नाम से, वहां जाइए हमें कीजिए फॉलो, हम आपको देंगे पे फॉलो बैक। सो यू गाइस आर वाचिंग brosreactions, माय नेम इज काजिम, इज नेम इज ऑनरिजवी एंड इज नेम इज मुकम्मल खूबसूरत, गुड बाय।